फ्राइडे टाइगर श्रॉफ क्या करता है? खराब डबिंग। सही में तो गाइस, 3 नॉर्मल और 2 अमेजिंग स्पाइडरमैन के बाद हम में से कई फैंस को लग रहा था कि हमें नया स्पाइडरमैन हजम नहीं होगा, पर टॉम हॉलैंड ने ना ही सिर्फ सिविल वॉर में धूम मचाई बल्कि उसने स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी 4 चांद लगा दिए। सब गाइस, वेट अ मिनट, यू गाइस आर द रियल एवेंजर्स, आई कैन टेल होप गिव्स इट अवे। स्पाइडरमैन का हमेशा से एक ही नारा था कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, और इस बार इसी बात को प्रूव किया गया है। आई वांट इट टू बी बेटर। I'm gonna need the suit back. But I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. So guys, मैं हूँ अमन सिन्हा और आज हम देखने जा रहे हैं Spider-Man Homecoming का spoiler-free review. बिना spoiler की चिंता करे हुए चलिए शुरू करते हैं। पिछले 10 सालों में Marvel Studios back-to-back धमाकेदार movie दिए जा रहा है। Marvel जानता है कि audience को क्या चाहिए, और ये Spider-Man movie वही है जो कि audience को चाहिए। इसमें उसी origin story को नहीं दिखाया गया कि कैसे Spider-Man को उसकी powers मिली और कैसे अंकल बेन की डेथ ने उसे अपनी पावर्स का क्या करना है ये बताया। मार्वल मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग साइड है कॉमेडी और एक्शन। ये मूवी जहां इंटेंस होनी थी वहां हुई, पर जब हंसाने की बात आई तो पूरा हॉल हंस रहा था। मूवी में नेड लीड्स का रोल प्ले करने वाले जेकब बेटलन ने ऑडियंस को बहुत हंसाया, पर जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बारी आई तब उन्होंने अपने पावरफुल परफॉर्मेंस से सबसे ज्यादा एंटरटेन किया। कई लोगों का पहले मानना था कि ये मूवी स्पाइडरमैन की कम और आयरन मैन की ज्यादा है, पर ऐसा नहीं है। ये मूवी टॉम हॉलैंड की थी यानी स्पाइडरमैन की, जिसमें आयरन मैन शुरू में, बीच में और लास्ट में ही दिखा। मूवी की राइटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, हर कैरेक्टर अपने एज के हिसाब से एक्ट कर रहा था, जो कि थोड़ा मुश्किल ही होता क्योंकि वो सारे 20 साल के थे और उन्हें 15 साल का दिखना था। फिल्म की पूरी सेटिंग हाई स्कूल पर बेस्ड थी कि कैसे एक हाई स्कूल का बच्चा जिसको नई सुपर पावर्स मिली है बैलेंस बनाता है अपनी लाइफ में। मूवी का एक्शन जबरदस्त था। मूवी में जरूरत के हिसाब से ही CGI डाला गया था, जिसकी वजह से स्पाइडरमैन की स्विंगिंग बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लग रही थी और हर एक्शन कैजुअल और लॉजिकल था। टॉम हॉलैंड ने एक प्रॉपर स्पाइडरमैन का फिगर सेट कर दिया है ऑडियंस के दिमाग में। मूवी की दिक्कत एक ही थी कि कई कैरेक्टर्स को प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया, पर मूवी के विलन यानी माइकल कीटन के वल्चर अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्ग विलन्स में से एक हैं। उनके कैरेक्टर के मोरल्स से उनके एक्शंस बहुत ज्यादा क्लियर थे। दूसरी तरफ टोनी रिवॉल्वरी का फ्लैश थॉम्सन ना ही कॉमिक के फ्लैश की तरह दिख रहा था और ना ही उसकी तरह एक्ट कर रहा था, पर उसकी कुछ हरकतों से लग रहा था कि पीटर धीरे धीरे उसे हेट करने जरूर लगेगा। मूवी में मेरिसा टोमे की आंट मे के सीन्स ज्यादा नहीं थे, पर जितने भी थे कमाल के थे। साथ ही साथ सारी फैन थ्योरीज को झूठा साबित करते हुए मूवी की मेन हीरोइन थी लॉरा हैरियर, जबकि हम में से कई लोगों का मानना था कि जेंडेया का मेन रोल है। तो ओवरऑल एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि स्पाइडरमैन होमकमिंग एक अमेजिंग, स्पेक्टेकुलर और डिफरेंट रिबूट है। ये मूवी प्रॉमिस करती है एक नया और एक्साइटिंग फ्यूचर हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के लिए। रेटिंग्स की बात करें तो IMDb ने इस मूवी को दिया है 8.3 out of 10, रोटेन टोमेटोज ने इसको रेट किया है 93% फ्रेश, और कॉमन सेंस मीडिया ने इसको दिया है 4 out of 5, और हम इस मूवी को देना चाहेंगे 8 spider out of 10, 1 marks कैरेक्टर प्रॉब्लम के लिए और 1 marks इसलिए क्योंकि मूवी में स्पाइडर सेंस की बात ही नहीं हुई, जो कि स्पाइडरमैन की इंपॉर्टेंट पावर्स में से एक है। तो गाइस, अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हैं तो आप इसे आराम से एंजॉय करें, इसमें छोटे छोटे डिटेल ना नोटिस करें क्योंकि इसमें नहीं है। और अगर आप ये मूवी हिंदी में देखने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि आप टाइगर श्रॉफ की आवाज़ को जानते हैं और उसका चिल्लाना भी थोड़ा अजीब है, पर ओवरऑल डबिंग अच्छी की गई है। मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। मिड क्रेडिट सीन को आप बिल्कुल ना छोड़ें, वो इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए वेट करना चाहते हैं तो ये पूरी तरह आपकी मर्जी है, पर पोस्ट क्रेडिट सीन का आगे की किसी मूवी से कोई लेना देना नहीं है। तो गाइस, ये था स्पाइडरमैन होमकमिंग का स्पॉइलर फ्री रिव्यू। अगर आप ये मूवी देख आए हैं तो प्लीज अपने स्पॉइलर फ्री रिव्यू हमारे साथ कमेंट पे शेयर जरूर करें। साथ ही साथ लेटेस्ट सुपर हीरो न्यूज और हमारी वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और गूगल पे से फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं। तो सब नया लग रहा है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस। देयर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स बट यू गॉट टू फाइंड द राइट वन।